पहले के भजपुरी होके के गीत से सुगंध आवे आवे हमरा बेटी बहिन पूरा परिवार घर में बैठ के भजपुरी सुने हां मेल फीमेल एके संगे एके संगे आज के भजपुरी से दुर्गंध आवे लागल हां आज अकेले हूं सुने में लाज लागे लागल भजपुरी हां ईयरफोन लगा के लोग सुनता हां पढ़ लिखल के बात हटा दी अनपढ़ लोग जब भजपुरी गा के हमरा समाज से चली गई हां के 40 40 बरस के लौंडा हां मेकअप से कब के जमाना ना रहे जी ना मुर्दा संग पत्थर पर अगर के मुंह पेंट करी लोग हां आ उ लोग जब भजपुरी गा के चल गई क्यों गीत भजपुरी के धरोहर बन गई वाह आज पढ़ल लिखल तिवारी बाबा लोग गीत गावता 10 दिन में गीत बंगाल के खाड़ी में गिर जाता ओकरा कोई पूंछी उठा के गड़ा बहंगवा नहीं खे देखो कैसे लोग गावत रहे कैसे कि अरे दावना मड़ू बाबा रवो रहू लेकिन कैसे लोग गावे उन लोग तनी भाव देखी अनपढ़ लोग जिया जिया ये मौसी हम कलाकारी करे लग नहीं तो तर मौसी लगे लगे हाँ आ नीचे धोती नहीं खा देखा मौसा कहे तो लाज लगी रे कैसे लोग आवे कैसे खेतिया दावना मड़ुआ
हर युग में हर किस्म के आदमी होला होला ई तब 40 40 वर्ष के उम्र के भाव रहल हां हा। ओहो घरी कमसीन लोग रहे हां कम उम्र के हां तो ई गीत या उ लोग कैसे गावे कैसे लोढ़ी लोढ़ी ओझा बाबा के आशीर्वाद पर देखिए ओझा बाबा के चेला है हम बाबे जी के धन खाइले जय राम ओझा के चेला है हल ऐसे कह के भाग बाबा के गोल लगनी तज हिस्से जिया सुतले मैया अति सुख निया हो कवारी से बक्सा वाले के मित्र पिंडू जी की ओर से बहुत रुपए के पुरस्कार हार्दिक हार्दिक प्रणाम जे रुपया दे देता उनको मंगल में बना ले रही माई जे ना देता बैठ के देखा तो उनको मंगल में बना ले रही श्रोता है तब बनता है जनता है तब सुदर्शन जादव के लोग जानते हैं श्रोता ही नहीं रहेंगे तो बक्ता रखे क्या करेंगे आप लोग चले जाएंगे तो हम लोग लगेंगे कि शमशान के डोम चिल्ला रहे ऐसे तमाशर मुंडा के देखलू होली के नजरिया कहे सुदर्शन के बेरिया